नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है अभी का वो है कॉमन एरर पर है। ये 2019 SBI कलर्क के प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आज का दिन कुछ खास भी है। आज प्रधानमंत्री का जो आह्वान है घर में दिए जलाने का, घर के बाहर अपने अपने दरवाजे पर 9 बजे 9 मिनट के लिए वो अवश्य जलाएं। जिस तरह इसी तरह जो है हम लोग आज कॉमन एरर को जानकर खुद को इल्यूमिनेट करें, अपने आप को इसके प्रकाश में देखें। शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन, इट इज वाइडली बिलीव दैट द विलेज विच इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया विल बी वाइप्ड आउट विद इन अ डिकेड। यहाँ पर सबसे पहला जो ए नंबर में है यहाँ पर गलती वहाँ है, आप कैसे इसको पकड़ेंगे? तो ये जान लीजिए इट इज़ वाइडली बिलीव्ड होगा क्योंकि इट इज़ लगा हुआ है तो ये जो है पेसिव में बना हुआ है। तो आप जानते हैं एक्टिव और पेसिव होता है सेंटेंस के दो मतलब कि तरीके होते हैं। तो एक्टिव में होता है कि जब एक्टर खुद काम करे, और पेसिव तब हम बनाते हैं जब एक्टर की प्रमुखता नहीं हो, प्रायोरिटी जो है हम एक्शन को देते हैं। तो इट इज वाइडली बिलीव्ड होगा यहाँ पर BELIEVED। ओके, तो इट इज वाइडली बिलीव्ड का मतलब आप समझ लीजिए ऐसा माना जाता है सभी जगह या व्यापक रूप से माना जाता है कि दैट द विलेज विच इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कि जो गांव है जो कि स्थित है भारत के पूर्वी तट पर, विल बी वाइप्ड आउट, वो खत्म हो जाएंगे, वाइप्ड आउट हो जाएंगे विद इन अ डिकेड, एक दशक के अंदर। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा इट इज वाइडली बिलीव्ड, दैट इज ए। आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। ये बहुत ही आसान है, खासकर बिगिनर्स को समझने में इसको दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो है शब्द है यस्टरडे, यस्टरडे है आई मेट। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये जो है पास्ट में शुरू मतलब कि ये सेंटेंस शुरू किया गया है। एन ओल्ड फ्रेंड यानी कि बीते दिन जो है मैंने अपने एक पुराने दोस्त से मिला। व्हेन आई एम गोइंग नहीं हो सकता है क्योंकि पास्ट में ये शुरू है, तो व्हेन आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, जब मैं मार्केट जा रहा था, तो यहाँ पर जो है एम के जगह पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू द डेथ एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। ये देखिए ये भी पास्ट में सेंटेंस है। ये क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू, सेंटेंस का मतलब हम लोग समझते हैं कि वाक्य होता है, ठीक है, लेकिन सेंटेंस का मतलब जो होता है पनिशमेंट भी होता है, यानी कि सेंटेंस टू लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, सेंटेंस टू डेथ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले चीज आप देखेंगे द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस्ड, यहाँ कोई गलती नहीं है, उसके बाद टू ही लगता है सेंटेंस्ड के बाद, हर हमेशा याद रखिएगा जब भी ये पेसिव में बनेगा तो क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर द नहीं आएगा क्योंकि डेथ जो होता है वो नाउन होता है, वो भी कौन सा नाउन, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये पर्टिकुलर नाउन नहीं है, पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है जो कि हम इसको द लगा के बना सकें, क्योंकि पर्टिकुलर जब हम पर्टिकुलराइज करते हैं इस चीज को, जैसे कि द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो ये हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डेथ जो है एब्स्ट्रैक्ट सेंस में है, और डेथ को जो है कभी भी आप उसके पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो। तो क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड वॉज हंग नहीं होगा। आपको हम ये बता दें, ये याद रखिएगा कि हैंग का जो होता है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V2 और V3, हंग भी होता है, हंग भी होता है, HUNG HUNG, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में जब किसी को फांसी पर लटकाया जाता है तो उस सेंस में जो है हम हंग का यूज न करके हैंग्ड का यूज करते हैं, HANGED। तो यहां पर जो है हैंग्ड हो जाएगा, वॉज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम। तो यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ दो दो गलतियाँ हैं, या कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंट मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, वो बी नंबर में द के लिए,
तो आप अगर द को नज़रअंदाज करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती है वो है हंग के जगह में हैंग्ड हो जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे अगर गलती पकड़ना चाहते हैं तो द को भी हटाना पड़ेगा आपको। तो क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड वॉज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम। आगे बढ़ते हैं। FATF स्ट्रांगली अर्जेस, कल ही हमने आपसे चर्चा किया था अर्जेस के बारे में। अर्जेस, अर्ज का मतलब क्या होता है? अगर नाउन में देखेंगे तो ये स्ट्रांग विश होता है, आपकी बहुत तीव्र इच्छा, ठीक है। और अर्ज जब हम वर्ब में यूज करते हैं तब हम कहते हैं कि किसी को स्ट्रांगली एडवाइज करते हैं। तो यहाँ पर अर्ज जो है वो वर्ब के रूप में है, तो यहाँ पर यह है FATF जो है स्ट्रांगली अर्जेस, वो जो है एडवाइज करता है, रिकमेंड करता है, कहता है पाकिस्तान को कि टू स्विफ्टली कंप्लीट इट्स एक्शन। यहाँ पर देखिए टू कंप्लीट, ये जो टू कंप्लीट है ये इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव अपने आप में वर्ब होता है और उसके बीच में जो है आप लगा रहे हैं एडवर्ब स्विफ्टली, तो स्विफ्टली जो है वो कंप्लीट को क्वालिफाई करता है। तो इस तरह जो है जब भी मतलब कि इन्फिनिटिव को उससे क्वालिफाई करवाना होता है मतलब कि एडवर्ब से, तो हम इस दोनों के बीच में रखते हैं। तो FATF स्ट्रांगली अर्जेस पाकिस्तान टू स्विफ्टली कंप्लीट इट्स एक्शन प्लान बाय अक्टूबर 2019 टू स्टॉप टेरर फंडिंग इन द कंट्री। तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं गलत नहीं है। तो इस FATF स्ट्रांगली अर्जेस पाकिस्तान टू स्विफ्टली कंप्लीट इट्स एक्शन प्लान बाय अक्टूबर 2019, यानी कि बाय तब आता है जब मतलब कि उस समय तक कर लेना आपको, ताकि स्टॉप कर सकें क्या टेरर फंडिंग देश में, इन द कंट्री। नो एरर है यह। पांच में आते हैं इलॉन मस्क, इनका नाम सुने ही होंगे, काफी चर्चित हैं। इलॉन मस्क इज डिटरमाइंड टू बी सक्सेस इन वट एवर फील्ड ही चूजेस। यहाँ पर जो है गलती है बी नंबर में। यहाँ आप दो चीज मतलब कि दो तरीके से इसको बदल सकते हैं। यहाँ पर एलन मस्क इज डिटरमाइंड टू बी अ सक्सेस भी दे सकते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर एक सक्सेस, सक्सेस मतलब किसी भी चीज में वो सफल रहते हैं, ठीक है। टू बी अ सक्सेस, चूंकि सक्सेस अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन बार बार अगर किसी चीज को आपको बहुत सारे में कामयाबी मिलती है तो बहुत सारे सक्सेसेस हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉल्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे सक्सेसेस हो सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेस जो है वहाँ पर उसके पहले ए लगा सकते हैं, यानी कि आप यहाँ कहना चाह रहा है कि एलन मस्क जो है वो डिटरमाइंड है, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ है कि वो जो है सक्सेस होंगे, टू बी अ सक्सेस। या आप इसको ऐसे भी बदल सकते हैं, एलन मस्क इज डिटरमाइंड टू सक्सीड, सीधे टू के बाद जो है आप ये इन्फिनिटिव का जो सक्सेस का जो वर्ब होता है सक्सीड वहां डाल सकते हैं। अगर आप इन्फिनिटिव में ये डालना चाहते हैं टू के साथ बी, ठीक है, तो यहां पर आपको एक सक्सेस के पहले ए लगाना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से बदल सकते हैं, टू बी अ सक्सेस या फिर टू सक्सीड इन वट एवर फील्ड ही चूजेस, ठीक है। तो आंसर है आपका बी नंबर, ठीक है। छह नंबर में आते हैं, न्यू परचेजिंग पावर विल इंक्रीजिंगली कम फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका। यानी कि नया जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर आप समझ लें क्रय शक्ति, लोगों की जो क्रय शक्ति होती है, तो न्यू परचेजिंग पावर जो है विल इंक्रीजिंगली कम फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका वेयर द डेमोग्राफिक्स डेमोग्राफिक्स आर स्टिल फेवरेबल फॉर हाई इनकम ग्रोथ। यानी कि न्यू परचेजिंग पावर जो है वो आपके मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो कहाँ से आएंगे, एशिया और अफ्रीका से आएंगे, जहाँ पर जो डेमोग्राफिक्स है, डेमोग्राफिक्स का मतलब आप जान लीजिए जो चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ डेथ डिजीजेस एक कम्युनिटी में एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बदलता रहता है, उसी को कहते हैं डेमोग्राफी। यानी कि वहाँ की जो जनसंख्या है, जहाँ उस जनसंख्या में जो जो बदलता हुआ जन्म दर है या फिर डेथ्स है या फिर जो वहाँ की बीमारियाँ हैं एक कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो होता है,
उसको जो है साइंटिफिक स्टडी को ही डेमोग्राफिक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डेमोग्राफिक्स जो है वहाँ का, वो अब भी फेवरेबल है और स्टिल फेवरेबल, किसके लिए? फॉर हाई इनकम ग्रोथ। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, नो एरर हो जाएगा। सेवन, लास्ट नंबर में आइए। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल वर लाफिंग एट द जोक ही क्रैक्ट। सबसे पहले आपको ये बता दें, नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो है ये एक कंजंक्शन है जो कि दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं। तो नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ है नॉट ओनली, और बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ प्रिंसिपल। तो आप देखे होंगे कि नॉट ओनली के साथ जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन बट ऑल्सो के साथ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो बाद में आता है, ठीक है, यानी कि बट ऑल्सो के बाद जो आ रहा है सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसी के अनुसार जो वर्ब होगा वो एग्री करेगा। तो यहाँ प्रिंसिपल जो है सिंगुलर वर्ब है, तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो है वहां पर वर के जगह में वाज हो जाएगा। लाफिंग एट द जोक ही क्रैक्ट। तो आज का सेशन यही है, आप इसको अच्छे से देखें और समझें। अगर कोई आपको सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अपना कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।